हाँ जी, हाँ जी, चलो 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 उठाओ, एक्टिव उठाओ अपनी, स्टार्ट करो, जस्ट लेट इट गेट क्लियर्ड। अरे अरे भाऊजी छोड़ो यार, अरे छोड़ो भाऊजी, क्या हो गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे भाई साहब छोड़ दो, भाई साहब छोड़ो, क्या हो गया, नहीं तो तू वहाँ जा, भाई साहब क्या हो गया, इतनी गर्मी में छोड़ दो, क्या हो गया, रिक्शा दिखा रहे हो यार, इतनी गर्मी किस बात की दिखा रहे हो, रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है आराम से बात करो उससे यार, जाओ जाओ आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ जाओ। क्या लेकर आए हो? पानी पानी आओ। आ गया। हाँ सागर, क्या बोला आपने? वाटर भी ऑर्डर, दाल छोले। क्या नाम है भाई आपका? राहुल भैया, मेरा नाम राहुल है। राहुल है, कितने टाइम से लगा रहे हो आप यहाँ हरिद्वार में? दो साल हो जाएंगे लगाते। अच्छा, क्या क्या सामान है आपके पास, क्या क्या है खाने के लिए? दाल है, छोले हैं, कुलचे हैं, दाल छोले कुलचे। हाँ। क्या रेट है प्लेट का? 50 रुपए की, ठीक है लगा दो। ये क्या, ये क्या चीज़ है? ये दाल है। दाल है, दाल है। अच्छा, मूंग की दाल है भाई, ये पर प्लेट है। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश कुमार। भाई हो तुम इसके? राहुल भाई है। शक्ल मिल रही तुम्हारी? तीनों भाई हैं। तो तीन भाई हो तुम? अच्छा, कितने बजे आते हो सुबह? सुबह 8 बजे आ जाते हैं। कितने बजे आते हो? 3 बजे चले जाते हैं। 3 बजे चले जाते हो, सारा माल बिक जाता है? हाँ सारा माल बिक जाता है। अच्छा बढ़िया। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी मैं हूँ हरिद्वार में हूँ, सुबह हम उठे थे 12 बजे, 12:30 बजे कह रहा हूँ, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। तो अभी हम कुछ खाने आए थे, शिव कड़ी राजमा चावल वाला है और एक राजू छोले कुलचे वाला भी है। तो छोले कुलचे तो मैंने अभी खा लिए हैं, एंड सागर इज स्टिल एंजॉयिंग हिज छोले कुलचे। और अंकल क्या हाल है, क्या नाम है आपका? मेरा आई एम पंजाब चौहान फ्रॉम बादराबाद। ये ठेली आपकी है, है? कितने टाइम से लगा रहे हो आप ये? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन मतलब कि साल? 30 साल से लगा आपकी है? नहीं, 25 साल का लगे। हाँ जी भाई जी, क्या नाम है आपका? कपिल प्रजापति जी। अच्छा कपिल प्रजापति जी, कितने टाइम से लगा रहे हो आप ये? ये हमारी ठेली 30 साल से लग रही है, 18 साल से मैं देख रहा हूँ, पक्की पापा जी देख रहे थे। अच्छा पापा जी देखते थे पहले आपके? 18 साल से मैं हूँ। 18 साल से आप ये हो? जी। कितने बजे आते हैं सुबह? सुबह 9 बजे आते हैं सर। सुबह 9 बजे, कितने बजे रहते हो आप? शाम को 3:30-4 बजे तक सर। ठीक है, हर की पौड़ी से कितनी दूर है ये? हर की पौड़ी से मैच 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। बढ़िया राम चावल आपके? हाँ जी वो तो आप। कितनी प्लेट बिकती है डेली की? डेली के हमारे 10-12 किलो चावल निकल जाते हैं हमारे 13 किलो। रेटों का कोई क्वांटिटी नहीं है। क्या रेट है? हाँ 20 की है, फुल 30 की है। हाँ 20 की फुल 30 की, दिखाओ एक बड़ी राजमा। ओहो वाओ, बढ़िया लग रही है। चावल का है? चावल ही है। कितने किलो बनाते हो आप ये? ये 12 किलो चावल बनाते हैं। ठीक है, हमें तो 20 रुपए। नाम क्या बताया एक बार आपने, दोबारा बताना सर? कपिल प्रजापति। कपिल प्रजापति, ठीक है, थैंक यू। तो देख लो गाइस, इफ यू वांट टू एंजॉय राजमा चावल इन हरिद्वार, देन यू कैन कम टू दिस प्लेस, इट लुक्स क्वाइट टेम्पटिंग। तो मैंने तो छोले कुलचे खा लिए हैं अभी, सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई दिस, बट या इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन यू कैन श्योरली विजिट दिस प्लेस एंड यू कैन एंजॉय स्ट्रीट फूड ओवर देयर। तो ये जगह जो है, दिस इज़ नोन एज आर्य नगर, और हर की पौड़ी से 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है ये। हाँ भाई, हो गया आपको? चले भाई, कितने पैसे हो? हाय गाइस, वेलकम बैक। तो सीन अभी का ये है, अभी हम ढूंढ रहे हैं नहाने के लिए कोई घाट। हर की पौड़ी पर तो बहुत ही भीड़ है, तो वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नहाने की जगह ही नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो वी जस्ट लुकिंग फॉर अ प्लेस जहाँ पे थोड़ी भीड़ कम हो और घाट हमारे को मिल जाए थोड़ा साइलेंट सा, ताकि हम जो है थोड़ा नहा लें, स्नान कर लें हरिद्वार में। तो आज जो है सोमवती अमावस्या भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है हरिद्वार में, ऋषिकेश में बहुत क्राउड है। और कल का सीन हमारा यही था कि ऋषिकेश जाएंगे, सागर का बर्थडे भी था कल, बट जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो द ट्रैफिक जाम
हमने अपना प्लान चेंज करा और हरिद्वार हम आ गए हैं। तो कल से ही मैं हरिद्वार में घूम रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आया। इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। ऋषिकेश जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर आप जाओगे ना तो कल से ही रेगुलरली कम से कम 4 से 5 घंटे का ट्रैफिक जाम है ऋषिकेश वाले रोड पे। तो वहाँ जाना तो बेवकूफ़ी थी। तो वी टुक द राइट डिसीजन बाय नॉट गोइंग टू ऋषिकेश एंड यू नो गोइंग टू हरिद्वार। तो कल से काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे और बहुत ही मतलब अच्छी वाइब्स है, पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। एंड आई एम एक्चुअली इन्जॉइंग इट, आई एम लविंग इट। और सीन अभी यही है, बस नेक्स्ट घाट पे जाना है। बहुत गर्मी है, टाइम हो चुका है 4:01 और बहुत गर्मी है। टेम्परेचर होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे इस समय अराउंड 40 degrees, बट ह्यूमिड भी है काफ़ी और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा और ज़्यादा सफोकेटिंग हो रखा है। तो वी रियली नीड टू टेक अ डिप राइट नाउ। तो देखते हैं अभी अगर कोई बढ़िया सा साइलेंट सा घाट मिल जाता है हम आपको, तो वहाँ पे जाके थोड़ा स्नान करते हैं। और सागर भी मेरे साथ ही है अभी, तो लेट मी जस्ट शो यू अराउंड कि किस तरीके का व्यू है अभी इस जगह पे। जी सागर भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड भाई। घाट तो मिली ना कोई जो थोड़ा खाली हो और थोड़ा जिसमें लोग कम हो, भीड़ भड़ाका कम हो, ताकि हम जो है अपना जो है होली डिप ले सके। तो क्या कहना है आपका, कौन सा घाट खाली मिलेगा आपको इस समय? भाई घाट सिर्फ एक ही खाली है, शमशान घाट। वो देखो काम कौन सा घाट? शमशान घाट। हो रहा कहाँ पर है? हाँ जी, हाँ जी, चलो 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 बैठाओ, एक्टिव उठाओ अपनी, स्टार्ट करो। जस्ट लेट इट गेट क्लियर। अच्छा, आप जान के चक्कर में रुकोगे यहाँ पे? अरे अरे भाऊजी छोड़ो यार। अरे छोड़ो भाऊजी, क्या हो गया? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे भाई साहब छोड़ दो, भाई साहब छोड़ो, क्या हो गया? नहीं तो तू वहाँ जाओ, भाई साहब छोड़ दो। क्या हो गया इतनी गर्मी में? छोड़ दो, क्या हो गया? इतनी गर्मी किस बात की दिखा रहे हो? रास्ता बता रहा हूँ। ठीक है, आराम से बात करो उससे यार, थोड़ी भैया ठंड रखो यार। जाओ भाई जी, जाओ जाओ जाओ, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जाओ जाओ जाओ, धक्का जाओ जाओ। देख लो भाई सीन यहाँ का, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, बहुत ही ज़्यादा। जस्ट बिकॉज आज जो है सोमवती अमावस्या का स्नान है हरिद्वार में, तो काफ़ी सारे श्रद्धालु घाट से आ रखे हैं, काफ़ी सारे यात्री आ रखे हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मतलब पैर रखने की जगह तक नहीं है हर की पौड़ी में। तो डैट इज़ द ओनली रीज़न वी आर नॉट गोइंग टू हर की पौड़ी। हर छोटे से छोटे घाट पर भी जो है ना आज बहुत क्राउड है, सब घाट बिजी है यार, सारे के सारे घाट बिजी है। ये सब ऐसे घाट है जो वैसे नॉर्मली खाली रहते हैं, और ये सारे घाट ऐसे हैं जहाँ पर आप रेगुलर डेज पे अगर आप आओगे तो आपको कोई भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल खाली होते हैं सारे घाट। ये मेला क्षेत्र है, मेला क्षेत्र है। हाँ, मेला लगता है यहाँ पे, मतलब जो कुंभ का मेला लगता है। हाँ, हाँ, तो वो सब बाबाओं के जो कैंप्स वगैरह लगते हैं वो इसी एरिया में लगते हैं। और फिलहाल जैसे अभी है कोई स्नान होता है, कोई बड़ा कोई आता है। अच्छा, तो फिर ये सब यहाँ पे पार्किंग बना देते हैं। अच्छा, कौन सी जगह है एग्जैक्टली? बैरागी कैंप। बैरागी कैंप, तो गाइस देख लो, दिस प्लेस इज नोन एज बैरागी कैंप। तो जो भी कुंभ का मेला यहाँ लगता है, तो जितने भी साधु वगैरह आते हैं बाहर से, तो यहीं पर इनका जो है कैंप वगैरह लगता है साथ। तो अभी भी आज जो है सोमवती अमावस्या है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है हरिद्वार में। भैया टाइम एंटी हो रहा है 4:00। हाँ, पास में ज्यादा दूर नहीं है।
यहीं पे रहते हो? सोते कहाँ? यहीं सोते हो इसी थल्ले पे? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है योगी बाबा श्यामनाथ अघोरी। अच्छा, अघोरी बाबा हो? अच्छा, कितने साल से रह रहे हो हरिद्वार में? कितने साल से रह रहे हो बाबा जी हरिद्वार? 50 साल हो गया। 50 साल हो गया आपको? कितनी उम्र है आपकी? होगा करीब 100 बरस का। 100 बरस की उम्र है आपकी? अकेले रहते हो यहाँ पे? और नहीं है आपके साथ बाबा? अच्छा, यहीं सोते हो? गर्मी सर्दी जो मर्जी हो, बारिश हाँ? और खाना कैसे खाते हो? मिल गया कोई अगर दे दे तो? ठीक है, चलो खा लो, अपना खाना खा लो। ठीक है सागर भाई, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल देना, उसको दे दूंगा आपको। ये लो, गर्मी में होता है, पी लो। ठीक है, किडनैपिंग वाली वैन आ गई पुराने ज़माने की, किडनैपिंग वाली वैन। विलन की वैन आ गई, विलन की घूमती है। ये सही लग रहा है, ये हमारे घर के एग्जाम रह रहे हैं, हमारे घर के ऊपर वाले जाते हैं। ये भी घर को तो फाइनली हमारे को एक घाट मिला है अभी। कौन सा, क्या नाम है घाट का? घाट का वही नहीं, कॉलोनी का घाट है पीछे, क्या बोलते हैं, गोविंदपुरम, गोविंदपुरी? नहीं नहीं, खन्ना नगर है यहाँ पे एक कॉलोनी ना, खन्ना नगर के पीछे का घाट है, वो खाली है। हाँ, तो यहाँ हरिद्वार में कॉलोनी है खन्ना नगर, तो खन्ना नगर के पीछे का एक घाट है, तो काफ़ी साइलेंट घाट है वो, तो हम वहीं जा रहे हैं अभी। तो दिखाता हूँ अभी आपको वहाँ पर घाट का क्या सीन है। तो वहीं पर हम अभी डिप लेंगे, होली डिप, और उसके बाद देखते हैं क्या सीन है, जो भी होगा यू गाइस विल गेट टू नो अबाउट इट। तो चलते हैं अभी खन्ना नगर के पीछे वाले घाट की तरफ, तो लेट्स गो। घाट आ चुका है और इसी घाट पे हमारा प्लान है अब थोड़ा रिलैक्स करने का, थोड़ा डिप लेने का, नहाने का। लेट्स गो। खाली है तो यहाँ पे जो है मज़ा आएगा, शांति में ना नहाने में थोड़ा मज़ा आएगा। खाली है काफ़ी ना, तो यहीं पर अभी डिप लेंगे और थोड़ा गर्मी दूर करेंगे अपनी। बहुत गर्मी है, 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी है, तो एक डिप तो अभी ज़रूरी है ताकि थोड़ी बॉडी चार्ज हो और आगे के प्रोग्राम के लिए चार्ज हो जाए, क्योंकि नहाने के बाद जाएंगे घर, थोड़ा करेंगे रेस्ट, चाय वाय पी के अपना निकलेंगे शाम को गेड़ी मार। तो चलते हैं अभी, सागर इज ऑल गुड टू गो। गो गो स्विमिंग तो मुझे आती है वैसे, लेकिन पानी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते आप, क्यों भाई? यहाँ पे तो बिल्कुल भी है ना। Thank you.
क्या नाम है तुम्हारा? अजयपाल। है अजयपाल। ये टायर किसे लेकर आए हो? टायर लेके तो पानी में जाएगा अंदर? नहीं हम तो नहीं जा रहे। अच्छा, तैरना आता है तेरे को? आता है? नहीं हम तो अंदर जा रहे। नहीं मैं भेज नहीं रहा तेरे को भाई, तो आता है तैरने वैसे? नहीं। सुनिए, कितने साल का है तू? 12 साल का है। कहाँ रहता है? नहीं रहता, पास में। अच्छा, रोज आता है यहाँ पे शाम को नहाने? नहीं, कभी कभी आता है। हम तो नहाने आए थे। तेरा नाम क्या भाई? प्रिंस। पास है थोड़ी? पास है ना। प्रिंस नाम है तो ट्यूब क्यों लेकर आया यहाँ पे? अरे ये लेकर आया नहाने के लिए यहाँ पे। अच्छा, तेरे को तैरना नहीं आता? लोकल तो है, लोकल है तो यहाँ तो बच्चे सारे तैरते हैं, क्या होगा? अरे घर वाले जाते हैं नहाने नहीं। तेरे को तैरना तो आता होगा वैसे? थोड़ा सा आता तो होगा, क्योंकि हरिद्वार माँ बाप नहीं आने देते, बात अलग है। लेकिन यहाँ हरिद्वार के मैंने सुना छोटे छोटे बच्चों को तैरना आता है बढ़िया, है ना? यहाँ लोग जान भी तो बचाते हैं, लोगों की कोई अगर डूब रहा तो बचाते हैं, है ना? इधर है छोटू, तेरा नाम क्या है? यश। यश, कितने साल का है तू? 13। और तू कितने साल का है? मैं भी 13। और तू? 12। एक ही स्कूल में पढ़ते हो तुम? हाँ, ये सिर्फ डेल में। मैं सुशी मिल दिया स्कूल। किस में तू? सुशी मिल गया श्री, इधर ओमपुर की तरफ। ओमपुर की तरफ? हाँ। दोस्तों तुम तीनों यहाँ खड़ा हो, यहाँ पे खड़ा हो, साथ खड़ा हो ना, उनके तीनों साथ खड़े हो। 12 साल 13 साल 13 साल ना, बढ़िया। दिखा कुछ कलाकारी, दिखा यहीं पे, इधर इधर में ही दिखा, ज़्यादा अंदर मत जाइयो। अभी दिखा नहीं रहे किसी को भाई, मेरा चैनल है, वीडियो बनाता हूँ मैं। नहीं भाई नहा, तू टेंशन मत ले यार, नहा तू। नहा ना भाई, तेरे को क्या दिक्कत है? नहा तो आराम से ना भाई, तू टेंशन मत ले। चलो नहा लो। हाय गाइस, तो स्नान हमने कर लिया है और अभी हम यहीं पे बैठे हुए हैं घाट पे ही, थोड़ी देर यहीं बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। मज़ा आ गया नहा के, तो पूरी बॉडी जो है फ्रेश हो चुकी है, पूरी बॉडी चार्ज अप हो गई है। और नहाने के बाद इंसान को दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, एक तो नींद की और एक भूख की। तो प्लान अभी हमारा यही है कि जाएंगे अब हम घर और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और कुछ खाएंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, उसके बाद हम शाम को निकलेंगे। अरे भाई साहब, ये तैर रहे बढ़िया यार, फुल तैर रहे। तो बना लो वीडियो, बना लो इनको, बना लो पक्का। बहू है मेरी, वो सब बनवाओ एक बारी। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा बाला कश्यप। बाला कश्यप, एक बार उनको बुलवाना। जैसे आप अभी गए थे ना, वैसे ही जाओ। तू नहीं आएगा भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? तू कोई रणबीर कपूर थोड़ी है, नहीं ला रहे करके भाई। नहीं आया तू यार, तू मेरे पीछे पड़ा था, तेरी फोटो अभी नहीं आएगी, तेरी खिंची नहीं है मैंने। हाँ तेरी में खिंची नहीं है। जाओ जाओ जाओ। कोई सुनर है देख लो, ऐसे आ जाइए।
आंटी बचपन से ही तैर रहे होंगे तो बेटे आप भी तैर लेते हो? अच्छा ये तो ये भतीजी है। अच्छा आगे आए लक्षण। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। मेरा मैं 12 साल के बेटे इस मंदिर में पूजा कराती हूँ। अच्छा और ये घाट की देखभाल मेरे पास। अच्छा आप पूरे घाट की देखभाल आप करते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? बाला कश्यप। पंडित जी से शाम की आरती भी कराती हूँ। अच्छा उल्टी पहन के तो और ऐसे निक्कर नुक्कर पहन के चश्मा लगा के तो ऐसे मुझे तुम्हारा फोन वाटरप्रूफ है ना? नहीं तो मैंने जेब में डाल दिया, मेरे तो निक्कर के लिए निकाल दी। बता यहाँ पे कोई आ सकता है? बाहर का यात्री पहुँच ही नहीं सकता इस घाट पे। भाई जिस घाट पे अभी हमने स्नान करा ना, यहाँ पे बाहर का यात्री नहीं पहुँच सकता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकल्स या फिर जिसको नॉलेज हो यहाँ पे पूरे हरिद्वार का चप्पा चप्पा बताओ वही पहुँच सकता है यहाँ पे। तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ तो जो है सागर शर्मा है, एंड सागर शर्मा जो है वो चलती फिरती ट्रैवल गाइड है हरिद्वार का, इनको चप्पा चप्पा पता है। तो हरिद्वार में हमारे को घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं भी साइलेंट जगह चाहिए हो तो आई कैन कॉन्टैक्ट सागर शर्मा एंड सागर शर्मा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो मज़ा आ गया भाई नहा के, तो बहुत मज़ा आ गया, पूरी बॉडी ऐसी चिल्ड हो गई ना, बढ़िया ठंडा पानी था बिल्कुल, 40 डिग्री टेम्परेचर था, 20 पे आ गया। तो अब सीन यही है, घर जा रहे हैं, ऐसे टेंशन एरिया शुरू हो गया है। देख ये घाट है, मैं कल दिखाता हूँ यहाँ का। ये देखो पीछे है घाट, सामने ये रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो गया, अब हम जा रहे हैं घर। सही टाइम पे आ गए, 7% बैटरी है, चार्ज भी कर लेंगे। 5:30 बजे हम घर पहुँच गए, यही बोला था मैंने 5-6 बजे तक। 5:30 बज चुके हैं, घर पहुँच चुके हैं, मेरा घर, ये खड़ी गाड़ी अपनी। घाट से कितना है हमारा? 100-150 मीटर घर है। 150 मीटर दूर है, देखो पहुँच गए, पलक झपकते ही पहुँच गए। आओ सामान बैग।